तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में ना तो मैं आपको कोई खतरनाक साइंस एक्सपेरिमेंट करके दिखाने वाला हूँ, ना ही आपको कोई जादू करके दिखाने वाला हूँ, ना ही कोई किसी चीज़ को जलाकर दिखाने वाला हूँ, ना ही आपको आज की वीडियो में मैं जो भी दिखाऊंगा इस ट्रिक में, ना ही आपको किसी माचिस की ज़रूरत है, ना ही किसी खाली प्लास्टिक की बॉटल की। आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 9 का टेबल याद करने के और लिखने की दो आसान ट्रिक्स बताने वाला हूँ, दो आसान मेथड्स बताने वाला हूँ, जो आपको अगर आप एक बार सीख गए तो कभी भी नहीं भूलने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत कमाल की ट्रिक्स हैं ये। तो अगर वीडियो अच्छी लगती हो आपको तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहली ट्रिक है उसके लिए आपको अपने हाथों को कुछ इस तरह से फैला लेना होगा, अपने हाथों को खोलकर कुछ इस तरह से रखना होगा। उसके बाद हम 9 का टेबल अपनी उंगलियों पर याद करना शुरू कर देंगे। देखिए कुछ इस तरह से, जैसे हम 9 का टेबल शुरू करते हैं, 9 × 1 = 9, आप सभी को पता ही होगा। तो 9 × 1 = 9 होता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहली वाली जो उंगली है हमारी, हम उस उंगली को नीचे कर देंगे, देखिए कुछ इस तरह से। तो 9 × 1 = 9, यहाँ पर जितनी उंगलियाँ बच गई वो हमारा आंसर। ये देखिए 4 यहाँ 5 यहाँ, ये हो गया हमारा आंसर 9 × 1 = 9। ठीक उसी तरह हम दूसरी उंगली को भी नीचे कर देंगे तो ये आ गया हमारा आंसर 9 × 2 = 18। तो देखिए एक उंगली यहाँ जो इधर वाला है वो फर्स्ट डिजिट, और जो इधर जितनी इस उंगली के इधर वाली साइड जितनी भी उंगलियाँ वो हमारा सेकेंड डिजिट होगा। तो देखिए 9 × 2 = 18, 1 यहाँ और 8 यहाँ, 3 और 5 8, तो 9 × 2 = 18। ठीक उसी तरह तीसरी उंगली भी नीचे करेंगे तो ये हमारा आ गया 9 × 3 = 27। आप देखिए खुद 9 × 3 = 27, देखिए 2 यहाँ उंगलियाँ और 7 उंगलियाँ यहाँ। ठीक उसी तरह 9 × 4 = भी हम कर सकते हैं, 9 × 4 = तो हम ये वाली उंगली नीचे करेंगे तो इधर वाली जितनी भी उंगलियाँ हैं ये वाली होगी फर्स्ट डिजिट, इधर वाली होगी सेकंड डिजिट। तो देखिए 9 × 4 = 36, 3 उंगलियाँ यहाँ 6 उंगलियाँ यहाँ, तो ये आ गया हमारा आंसर 9 × 4 = 36। उसी तरह हम 9 × 5 = भी कर सकते हैं, इस उंगली को नीचे करा और ये आ गया 4 उंगलियाँ यहाँ और 5 उंगलियाँ यहाँ, ये आ गया हमारा आंसर 9 × 5 = 45। अब हम 9 × 6 करने के लिए हम इस वाली उंगली को नीचे करेंगे, देखिए कुछ इस तरह से, तो ये हमारा आंसर आ जाता है 5 उंगलियाँ ये और 4 यहाँ, तो 9 × 6 = 54। तो ये अब हम 9 × 7 भी करते हैं, तो 9 × 7 हम ये वाली 7th उंगली है हमारी जो उंगली है उसको हम नीचे करेंगे तो ये हमारा आंसर आ गया सामने, देखिए 9 × 7 = 63, तो 5 यहाँ 1 यहाँ आ गई, तो ये 6 इधर वाली साइड आएगा और 3 उंगलियाँ यहाँ हैं तो 3 इधर, 9 × 7 = 63। है ना काफ़ी इजी और सिंपल सी ट्रिक। ठीक उसी तरह हम 9 × 8 भी कर लेंगे, हम ये वाली उंगली नीचे कर रखेंगे और जो उंगलियां हैं यहाँ पर, ये देखिए 9 × 8 = 72 होता है, तो 5 यहाँ 2 यहाँ, ये हो गई 7 हो गया यहाँ पर और 2 यहाँ पर, 9 × 8 = 72। और फिर ये वाली उंगली भी नीचे करेंगे तो ये हो गया हमारा आंसर 5 यहाँ 3 इधर 8 और 1 इधर, 9 × 9 = 81। ठीक उसी तरह 9 × 10 करने के लिए हम ये वाली उसी तरह दोस्तों 9 × 10 जो कि 90 होता है वो आपको पता ही होगा, उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, जो लास्ट वाली उंगली है यानी जो 10वीं या 10th उंगली है जो, हम उसको नीचे कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितनी उंगलियाँ बच गई, 9 उंगलियाँ 9, और यहाँ पर हमारे पास कितनी उंगलियाँ हैं 0, यानी कि 9 × 10 = 90। तो बस यही था इस ट्रिक में। अब मैं आपको बताऊँगा दूसरी ट्रिक। इस ट्रिक में मैंने आपको 9 का टेबल अपने हाथों पर अपनी उंगलियों से याद रखने का तरीका बताया, लेकिन अब मैं आपको 9 का टेबल लिख कर दिखाने वाला हूँ कि आप उसको किस तरह से लिख सकते हैं कि आप उसको कभी भी ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी ट्रिक की ओर। तो दोस्तों, जो दूसरी ट्रिक है 9 का टेबल लिखने की, उसके लिए आपको सबसे पहले कुछ इस तरह की एक शीट चाहिए होगी, कोई भी पेपर पे आपको पहले 9 का टेबल कुछ इस तरह से लिख लेना होगा। देखिए 9 × 1 × 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × 9 और फाइनली 9 × 10, कुछ इस तरह से पहले आपको टेबल लिख लेना होगा।
ये ज़रूरी है। सबसे पहले आपको टेबल ही लिखना है, डायरेक्ट आप नंबर्स लिखना स्टार्ट मत कीजिए। पहले आपको कुछ इस तरह से टेबल बना लीजिए, फिर आपको कोई पेन चाहिए होगा, पेंसिल या फिर कोई मार्कर वगैरह कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस वाली साइड से नहीं, इस साइड से शुरू करेंगे। हम यहाँ पर काउंटिंग को उल्टा लिखने वाले हैं, यानी कि हम 1 2 3 4 5 6 ऐसे नहीं लिखेंगे, हम 9 8 7 6 5 इस तरह से हम उल्टी काउंटिंग लिखने वाले हैं। देखिए कुछ इस तरह से, जैसे पहले है हमारा 9 × 1, यहाँ पर पहले हम लिखेंगे 9, 9 × 2 यहाँ पर हम लिखेंगे 8, फिर यहाँ पर इस तरह से हमें उल्टी काउंटिंग लिखनी है, रिवर्स काउंटिंग लिखनी होगी, 9 8 7 6 देखिए कुछ इस तरह से, यहाँ आ गया 7 6 5 4 3 2 1 and 0। देखिए मैंने उल्टी काउंटिंग लिख दी हुई है, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 कुछ इस तरह से आपको लिखना होगा। उसके बाद आपको काउंटिंग स्ट्रेट लिखनी होगी, यानी कि 1 2 3 4 5 6 कुछ इस तरह से देखिए। लेकिन आपको 1 9 यहाँ पर नहीं लिखना होगा, हम आपको 9 × 2 से शुरू करना होगा, क्योंकि 9 × 1 9 होता है, हमें यहीं से शुरू करना होगा। देखिए कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 देखिए, है ना काफ़ी कमाल की ट्रिक। आप भी सोच रहे होगे कि यार ये क्या जादू था, कि सच में एक तो 9 का टेबल ही आ गया। देखिए बिल्कुल सही है, देख सकते आप एक एक डिजिट को अच्छे से चेक कर सकते हैं, आप एक एक नंबर को चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल सच में टेबल मैंने लिख दिया हुआ है। कितना आसान था, है ना, सिर्फ आपको पहले यहाँ पर उल्टी काउंटिंग लिखनी होगी, फिर यहाँ से स्ट्रेट यानी सीधी काउंटिंग आपको शुरू कर देनी होगी, है ना काफ़ी कमाल की ट्रिक। तो बस गाइज आज की वीडियो में इतना ही था, अगर वीडियो अच्छी लगी आपको, ये दोनों ट्रिक्स अच्छी लगी होगी, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिक सच में काफ़ी कमाल की रही हो, आपकी बहुत मदद करेगी ये ट्रिक्स। तो अगर आपको ट्रिक्स दोनों अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा यार, प्लीज़ लाइक कर दे ना, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।